हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पूजा सिंह। और आपको बता दें कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के नेता हैं राजू झा, उनकी हत्या कर दी गई है। दरअसल अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो है ये हत्या का सिलसिला कई बार देखने में आया है कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं की हत्या की गई है, और इस बार राजू झा की हत्या की गई है। राजू झा के आपके बता दें कि पूरा जो हत्याकांड है किस तरीके से सामने आया। अगर हम यहाँ पर बात करें राजू झा की, तो वो अपनी एसयूवी कार में सवार थे। उस वक्त उनके साथ दो लोग और कार में थे। एक जगह कार रुकती है और उसमें राजू झा बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दूसरी कार में दो लोग सवार होकर आते हैं और कई राउंड की फायरिंग करते हैं, जिसमें राजू झा को गोली लगती है। जब उनको अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और कहा यह जा रहा है कि राजू झा की जो हत्या है कोल माफिया ने की है। कोल माफिया की बात करें तो कोल माफिया का जो है दबदबा काफी देखा जाता है। कोल माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो उनको ना तो सरकार का खौफ है, ना प्रशासन का खौफ है, ना पुलिस का खौफ है, और इसी वजह से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने जब ये पूरी वारदात सामने आई तो पुलिस ने साफ बताया कि पश्चिम बंगाल में बर्धमान के शक्तिगृह में नेता है, बीजेपी के नेता है राजू झा, जिनकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी है और उनकी पहचान भी हुई है। दुर्गापुर के बिजनेसमैन है राजू झा का खुद का बिजनेस है, वो बिजनेस करते हैं दुर्गापुर में, जाना पहचाना बड़ा नाम है। 2021 के चुनाव से पहले जो है वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब उनकी जो हत्या की गई है, पुलिस का कहना है कि इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि हत्या किसने की है और हत्या करने वालों का मकसद क्या था, लेकिन इसके पीछे वही कोल माफियाओं का हाथ भी बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये कितना सच है, क्या कुछ पुलिस जांच में सामने निकल कर आता है और क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है। और क्या राय है आपकी इस खबर के ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।